इस वर्षों का विश्वास 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट NSIT अ प्लेस टू इमेजिन इन्वेंट एंड इंस्पायर NSIT अम्हारा बेटा पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार बेगूसराय से हार गए हैं। उनको गिरिराज सिंह के हाथों करारी हार मिली है और बेगूसराय सीट से माना ही जा रहा था कि कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के बीच कांटे का मुकाबला है, जिसमें गिरिराज सिंह का पलड़ा भारी है। हालांकि जब नतीजे आए तो ये माना गया और ये साफ हुआ कि मुकाबला दरअसल कांटे का नहीं था, क्योंकि कन्हैया कुमार बड़े अंतर से हारे हैं। हालांकि कन्हैया कुमार ने पूरी ताकत झोंक रखी थी और कन्हैया कुमार के लिए कई लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी कि कन्हैया कुमार किसी तरह इस सीट से जीत जाएं। बॉलीवुड के कई नामी गिरामी लोगों ने कन्हैया कुमार के लिए न सिर्फ प्रचार किया बल्कि बेगूसराय में कैंप किया, जैसे जावेद अख्तर, शबाना आजमी, प्रकाश राज और कई चेहरे थे जो बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरे थे, और उनके लिए प्रचार किया, रोड शो किया, कैंप किया। कन्हैया कुमार के दोस्त और गुजरात के कांग्रेसी नेता विधायक जिग्नेश मेमानी कई दिनों तक कैंप किए रहे और उनके लिए प्रचार किया, रोड शो किया, तो कन्हैया कुमार को पूरा समर्थन था। कन्हैया कुमार खुद अपने भाषणों के लिए मशहूर रहे हैं, अपनी भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, BJP पर आक्रामक हमले के लिए जाने जाते हैं, तो उसी अंदाज में हमला करते रहे, निशाना साधते रहे, प्रचार प्रसार करते रहे। बावजूद इसके गिरिराज सिंह बेगूसराय सीट से जीत गए और गिरिराज सिंह के हिस्से आई बेगूसराय की सीट। लेकिन कन्हैया कुमार अब भी सुर्खियों में हैं। उनका चुनाव के बाद कन्हैया कुमार कुछ दिनों तक गायब रहे, उनके हमले दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, लेकिन अब कन्हैया कुमार एक्टिव हो गए हैं और फिर सुर्खियों में है। कन्हैया कुमार ने दिल्ली में एक निजी टेलीविजन चैनल से बातचीत की है और बड़ा बयान दिया है, कहा है कि अगर बार बार मुझे आतंकवादी कहा जाता है और अगर मैं आतंकवादी नहीं हूं, मुझे आतंकवादी कहा जाता है, तो यही राजनीति की विसंगति है, सियासत की यही खराबी है कि आप परसेप्शन को रिजल्ट मान लेते हैं, आप परसेप्शन को सच्चाई मान लेते हैं। मेरे बारे में एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है, मेरे बारे में एक धारणा बनाई जा रही है कि मैं देशद्रोही हूं, मैं आतंकवादी हूं, जबकि मैं आतंकवादी नहीं हूं। अगर मैं आतंकवादी होता तो BJP मेरे साथ समझौता कर लेती और मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लेती, मुझे टिकट दे देती। तो कन्हैया कुमार ने अपने इस बयान के जरिए BJP पर बड़ा निशाना ही नहीं साधा है बल्कि बड़ा आरोप लगा दिया है कि BJP आतंकवादियों को टिकट देती है और आतंकवादियों को पार्टी में शामिल कराती है, आतंकवादियों के साथ समझौते करती है। कन्हैया कुमार के बयान का मतलब अगर निकालें तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है। कन्हैया कुमार ने इस बयान में, इस टीवी इंटरव्यू में यह भी साफ किया है कि मेरी लड़ाई कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, सरकार से मेरी लड़ाई है, नीतियों से मेरी लड़ाई है, और मैं अक्सर गरीबों की बात करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, BJP की सरकार बननी जा रही है, तो उनको शुभकामनाएं। उम्मीद है इस बार जुमला नहीं होगा, इस बार जुमला साबित नहीं होगा और इस बार जो PM ने वादा किया है वो जुमला साबित नहीं होगा। तो कन्हैया कुमार लगातार हमलावर हैं और फिर एक्टिव हो गए हैं, टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, बयान दे रहे हैं, और इस टीवी इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने जो सबसे बड़ा बयान दिया वो बयान यही है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। राजनीति की यही खराबी है कि परसेप्शन को सच मान लिया जाता है और इससे लोगों को नुकसान होता है। तो अगर मैं आतंकवादी होता तो BJP मेरे साथ समझौता करती। और मैं ये बयान उनका इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा हमला है BJP पर, और साफ तौर पर यह कहते हुए कन्हैया कुमार कि अगर मैं आतंकवादी, वाकई आतंकवादी होता तो कन्हैया कुमार BJP मेरे साथ समझौता कर लेती, मुझे टिकट दे देती और शायद मैं चुनाव नहीं हारा होता। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, BP जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ECG करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं, साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।
हैं।